टूर का सफर तय करने के बाद हम आ चुके हैं लुलु मॉल, और ये बाहरी हिस्सा आप देख रहे हैं लुलु मॉल का। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आप इसे देखोगे ना तो हमेशा नया सा लगता है। नया सा कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत अच्छा लगता है जब भी आप इसे देखते हैं। तो हम एंटर करते हैं, ये मेन वाली तरफ से मैं एंटर किया हूँ, जहाँ पर ही बड़ा वाला झूला आपको नज़र आएगा, झूमर नज़र आएगा। झूला नहीं, झूला मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऊपर देखिए थर्ड फ्लोर पे दिखाई दे रहा होगा। तो वहाँ पे जो झूले वाले सीन है ना, वो बहुत मस्त वाले हैं। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस वाले एरिया का लगता है कि जहाँ पे ये स्टार, अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ, मैं कैमरा भी करता हूँ ऊपर, आप देखना ये स्टार इतना ऑसम लगता है। लुक एट दिस, स्टारफिश लगता है मुझे यार। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस मॉल का लगता है। तो आज हम वैसे यहाँ आए हुए हैं लुलु मॉल, तो मैं जाऊँगा आइसक्रीम खाने के लिए। एंड सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ का जो आइसक्रीम है ना, बहुत अच्छा है। आइसक्रीम वाला भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। बस बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं। जस्ट डाइंग टू कम हियर, और आज फाइनली मैं हूँ लुलु मॉल में वंस अगेन। खैर मकदम है आपका मेरे चैनल पर, जिसका नाम है सुजीत कुटुनिया, और सुजीत आपको लेके जाएगा आज टर्किश आइसक्रीम खिलवाने के लिए। वैसे खाएंगे तो हम, आप बस मज़ा लेना, देखना कैसे क्या पूरा सीन है, और उसके बाद आप फिर आकर जरूर खाना, उसका मजा जरूर लेना, यू विल लव दैट। लुलु मॉल थोड़ा सा दिखा दें। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं आइसक्रीम के फ्लेवर, देख सकते हैं यहाँ पर प्राइजेस मेंशन है कितने के क्या हैं, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आइसक्रीम के अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आप इसकी थोड़ी सी लुक देख लो यार, ये कितना ऑसम लगता है। तो यहाँ पर इस तरीके से उन चीज़ों को सर्व किया था, आइसक्रीम की वैरायटीज़ रखी है, जो चॉइस आपकी हैं वो चॉइसेस के हिसाब से आप उनको ले सकते हैं यहाँ से। तो ये भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। लोगों का हुजूम भी देख सकते हैं आप, यह कितना ज़्यादा वाला है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं लेने के लिए। थोड़ा सा लुक देखें, यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। आप कभी भी लुलु मॉल आते हैं ना, तो आपका यहाँ पे क्राउड आपको जो फेस करेंगे आप, वो बहुत ज़्यादा होगा। सबसे फेवरेट वाला एरिया मेरा वफंटूर का है, जो आप सामने देख रहे हो ना, आई लव दैट प्लेस, आई लव टू इन्जॉय देयर। हम अभी आपको थोड़ा सा जो ईरानी जो टाइप का, जो एक फन टाइप का जो आइसक्रीम खिलाने का तरीका ना, वो आपको दिखाएंगे अभी। वर्किंग डेज में हम आए हुए हैं, इस वजह से इतनी ज़्यादा वाली तो यहाँ पे आपको रश नहीं नज़र आ रही है फ़िलहाल तो, लेकिन है तो जिम अभी आपको दिखेगा कैमरे में। और ये जो तरीका है पेश करने का आइसक्रीम थोड़े से फ़न के साथ, ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छी वाली बात ये लगी कि लखनऊ में कई जगह पर गज़ल ऐसे नाम से, गोमती नगर, हज़रतगंज, कई जगह पर आपको ऐसे आइसक्रीम जो इस तरीके से ईरानी जो करके हम बोलते हैं आइसक्रीम ये दी जाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर ना बहुत अच्छी वाली बात ये है कि जो ये शख्स सामने है, इनका नाम शौरभ, इन्होंने कुछ मुझे बताया था, मैंने जब पूछा था, इसका तरीक़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ़न तरीक़े से जो एक एंटरटेन करके जिस तरीके से पेश की जा रही है आइसक्रीम को, वो मुझे बेस्ट पार्ट लगा यहाँ का। और तो ये एक मैं कहूँ मैजिकल या एक फ़न की तरीके से जो यहाँ पर आइसक्रीम, देखें बच्चा कितना एक्साइटेड है उसके लिए। अगर यहाँ आते हैं और आइसक्रीम आपको लेना है, तो उसके लिए करना ये होगा, आपको काउंटर में सबसे पहले जाकर आपको पेमेंट करना होगा। स्टार्टिंग रेट ऑफ द आइसक्रीम इज़ 195 रुपीज़। उसके बाद जो है आपके जो आइसक्रीम हैं वो आप ले सकते हैं कितने भी पैसे के, 195 से स्टार्टिंग है। यहाँ पर भी चीज़ें मेंशन है, जो जो यहाँ पे जूसेस भी मिल रहे हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्लिप दी जाती है, वो स्लिप लेकर आप जो शख्स चमत्कारी आइसक्रीम पेश कर रहे हैं ना, जिस तरीके से वो वहाँ पे वो स्लिप दिखानी होती है, और फिर उसके बाद आपको वहाँ पे आइसक्रीम मिलेगी। बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक सुन रहे हैं ना, वो टर्किश गाना है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं वो कॉपीराइट इशू ना हो जाए इस वजह से अपनी वॉइस को थोड़ा दे रहा हूँ, और ना कॉपीराइट इशू हो जाता हूँ। वो गाना सच में बहुत अच्छा लग रहा है, और लोगों को देख सकते हैं, लोग मेरी भी वीडियो बना रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो पेश करने का तरीका है आइसक्रीम का। देखिए नॉर्मल हम जाते हैं पैसे दिए, और पैसे देने के बाद कोई चीज़ हम खरीद लेते, तो वो मज़ा नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखें, जब हम पैसे खर्च कर रहे हैं और उसके बाद एक फ़न के तरीके, यानी आइसक्रीम आपके हाथ लगता है, यही एक स्टाइल है यहाँ का। आप हमेशा ना, आपको लगेगा ये एक धोखा हो रहा है आपके साथ, ये बेस्ट पार्ट है यहाँ का, ये आइसक्रीम। अभी देखेंगे आप,
कितना भी मैं कोशिश कर लूँ मैं उस आइसक्रीम को पा नहीं पाता हूँ, जब तक वो शख्स आइसक्रीम देने वाला शख्स वो सीरियस ना हो आपको आइसक्रीम देने के लिए। देखो आइसक्रीम तो हम नॉर्मली बहुत सारी जगह पे खाते हैं ना, बट इस तरीके से थोड़ा फन करके जो कुछ हमें खाने को चीज़ें मिलती है ना वो कितना मज़ेदार हो रहा है। एंड आई सीरियसली इन्जॉय दिस थिंग सो मच, एंड खा कर देखते हैं कि टेस्ट कैसा है, कि इतने मशक्कत के बाद अगर कोई चीज़ मुझे मिली है तो देखते हैं कैसा है। I charge for 194 something, but seriously, it's very nice ice cream. Wow, very nice. जब भी लुलु मॉल आए तो आप आके यहाँ पर इस आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई करिएगा, यहाँ पर यू विल लव सीरियसली। थोड़ा मजाक थोड़ा मस्ती के साथ अगर आइसक्रीम आपको मिलेगा ना बहुत मज़ा आने वाला है। फिलहाल लुलु मॉल ऑल टाइम मस्त वाला होता है, मुझे बहुत पसंद है। आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर बताना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप लविंग कीप सब्सक्राइबिंग एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा देना। बाय, बहुत जल्द मिलते हैं, टेक केयर। फिलहाल यहाँ से जाने का वक्त है और मैं चाह रहा हूँ एक बार जरूर आना, इसका स्टाइल देखना, मुझे सबसे अच्छा आइसक्रीम जो ईरानी आइसक्रीम जिस तरीके से पेश किया जा रहा है ना इस बंदे का ही अच्छा लगा, बिकॉज सारी हरकतें इस बंदे की बहुत अच्छी हैं एंड बहुत मज़ा आएगा आपको। आप ज़रूर आके यहाँ पे एक बार ज़रूर 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 ट्राई करना, यू डेफिनेटली लव, और इनको ज़रूर बता देना कि मैंने बहुत देख रहा हूँ। सो इन्जॉय करेगा एंड फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, टेक केयर।